बधाई हो, बधाई हो। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, आज जापानी भाषा और चीनी भाषा कितना अलग है और कितने मिलते जुलते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। और एक बहुत प्यारी सी गेस्ट है, तो मैं बुलाऊंगी मीरा जी। अरे कितनी प्यारी मायो, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। कैसी हैं आप? आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मीरा है और मैं चाइना से हूँ। हालांकि दूसरे लोगों के विचार में हम सेम है, लेकिन हम तो विभिन्न जगह से हैं। आप तो जापान से, मैं चाइना से, अभी हम अलग अलग शहर में रहती हैं। हमने 2-3 हफ्ते पहले एक दूसरे से मिली है, एक हिंदी दिवस इवेंट था सिंगापुर इंडिया एम्बेसी के साथ, उससे हमारी मुलाकात हो गई। कभी कभी लोग पूछते हैं ना चीनी भाषा और जापानी भाषा में क्या अंतर है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मीरा जी के साथ वीडियो बनाएंगे। मीरा जी, आप कितनी बार भारत गई है आज तक? मैं शायद 5 या 6 बार गई थी, और हिंदी सीखने के लिए मैं एक साल के लिए भारत जेएनयू में, दिल्ली में हिंदी सीखी थी। अच्छा अच्छा, जेएनयू में बहुत अच्छा मोमोज मिलते हैं ना? हाँ, और मसाला चिकन, बटर चिकन मुझे सबसे पसंद है। अच्छा, मसाला चिकन। तो चाइना में हम मोमो नहीं कहा जाता है, चाइना में हम ज्याओज़ कहा जाता है। तो जापानी भाषा में कैसे बोलते हैं? ग्योज़ा बोलते हैं, ग्योज़ा। कांजी यहाँ पे बाद में लिखेंगे एडिट करके, शायद बहुत मिलती जुलती हो सकती है। और भारत में लोग पहचान सकते थे कि आप चीनी लड़की हैं या जापानीज कोरिया से कुछ कंफ्यूज हो गई? हाँ, ये तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं तो साड़ी और सलवार सूट बहुत पसंद है मुझे, तो मैं रोज रोज सलवार सूट या साड़ी पहनती हूँ। इसलिए सबसे पहले उनके विचार में शायद मैं तो मणिपुर से हैं या शायद असम से हैं, उनके विचार में शायद मैं चाइना से नहीं है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर मैं हिंदी बोलती हूँ और साड़ी पहनती हूँ तो जैसे ताजमहल और कुछ साइट में तो सस्ता वाला टिकट भी मिलते हैं। मैं तो कोशिश की मैंने, लेकिन सस्ती टिकट नहीं मिली, हमेशा लोग एक बार मैं टिकट लेना चाहती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मैं मणिपुर से हूँ, और ये टिकट वाला, ये सेलर्स मुझसे पूछा था कि अरे तो आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मैं कैसे जानती। तो इसलिए सस्ता वाला टिकट नहीं मिला, तो मुख्यमंत्री का नाम जरूर याद रखें। हाँ ठीक है, मैं याद रखूंगी। तो आज का विषय है कि जापानी भाषा और चीनी भाषा कितनी मिलती जुलती है, और हम चीनी लड़की और जापानी लड़के एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं कि नहीं। China versus Japan। सबसे पहले बहुत सरल है, नि हाओ। अरे वो तो आसान है। नमस्ते नमस्ते। ओके, ये बोलना था कि मैं बचपन में 1-2 महीने चीनी में रह रही थी, क्योंकि मेरे पिताजी 1 या 2 साल के लिए चीनी में काम कर रहे थे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक समझ आती है। और मैं आप जरूर जीतेंगी, आप तो चाइना में रहते थे। नहीं नहीं नहीं, मैं सब भूल गई हूँ। ठीक है, अरिगातो। हाँ, ये आसान है। फिर से मैं टाइप करूंगी। हाँ टाइप कीजिए। अभी भगवान आके तैर रहे हैं। Yeah, I got one point। मतलब क्या है आप? इसका मतलब तो आप बहुत सुंदर दिख रही हो। सच्ची? हाँ। आज तो मैंने सही से बोला ना, आज। चलो ठीक है, तो अनाता वा दोको नी इमासु का? अनाता वा दोको नी इमासु का? ऐसा लगता है कि मैं तो जापानी कार्टून देख रही हूँ। चलो ठीक है, मैं लिख के देती हूँ। कुई फांग क्या हे, क्या 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 क्या, आप आज कैसे हैं? Really? नहीं नहीं, कुछ अलग है, कुछ अलग है, लेकिन थोड़ी सी मिलती जुलती। इसका मतलब आप
कहाँ पे हैं, आप कहाँ पर हैं। पहली अक्षर, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर तो चीनी भाषा में सेम है। अच्छा 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 अच्छा। 你喜欢中国吗? जी, ओके ओके। Can you speak Chinese? आप चाइनीज भाषा पढ़ सकती है? नहीं। ओके ओके, डू यू लाइक चाइना? Thank you, धन्यवाद। Okay, my turn. इंडो料理 वा 好き ですか? भारत के बारे में। हाँ, भारत के बारे में। इंडो का मतलब भारत। क्या आपको भारतीय खाने पसंद है? अरे वाह, बिल्कुल सही। और चौथा अक्षर चीनी भाषा में तो खाने। अच्छा अच्छा, एक ही शायद देखने वालों को अब पता चला होगा कि चीनी भाषा और जापानी भाषा सुनने में बिल्कुल अलग है, लेकिन लिखने में बहुत मिलती जुलती है। और इससे पहले मैं अपने पापा मामा के साथ ही जापान गई थी। मुझे जापान भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जापान अच्छा। एक बहुत साफ देश है और पुरुष तो रास्ते पर सभी पुरुष तो ये सूट वेस्टर्न सूट पहनते हैं, तो देखने में बहुत हैंडसम और सुंदर लगते हैं। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि चाइना में बहुत ज्यादा चीनी लोगों को जापान में यात्रा करना बहुत पसंद है? अच्छा, जापानीज लोग भी ज्यादा लोग चीनी में यात्रा करने के लिए, बढ़ाई करने के लिए जाते हैं। और मैं बहुत बचपन में गई थी, इसलिए ना असर में बताऊंगी तो ज्यादा याद नहीं है, लेकिन अगर मैं और एक बार जा सकूंगी तो ज़रूर वो जो चाइनीज वॉर देखना चाहूंगी। ये तो बचपन से तो हम जाते हैं, लेकिन अभी तक शायद देखा भी नहीं है। तो मीरा जी, कृपया करके आप मुझे लेके कहीं और हम सारी देखें घूमेंगे। मेरा भी तो, आप कभी भी जापान आएंगे तो हम साथ में जापान सारी पहनेंगे, घूमेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया। और मीरा जी, आप मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीरा जी के पास एक फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल है जहाँ हिंदी में भारत और चाइना के बारे में बताते हैं, है ना? जी हाँ, मेरे एक फेसबुक पेज है जो जिसका नाम है चिंगी मीरा, और यूट्यूब पेज भी है, अभी भी शुरू हो रही है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जो मायू के साथ ये वीडियो बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आशा है कि आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के वीडियो बना सकती हैं और हमारे सभी भारतीय मित्रों को चीन और जापान और भारत के बारे में जानकारी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीरा जी धन्यवाद, फिर मिलेंगे। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय।